अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी 8 क्लास की उर्दू की टीचर मिस फातमा। आज हम लोग पढ़ेंगे उर्दू बी के ज़र्बुल इम्साल के बारे में। ज़र्बुल इम्साल क्या होती हैं? ये कहावतें होती हैं जो पहले से लोगों ने बनाई हुई होती हैं और वो बिल्कुल सही होती हैं। ज़र्बुल इम्साल क्या है पहले हम उसका पढ़ेंगे, फिर हम उसका मतलब पढ़ेंगे, यानी इसका मतलब क्या है। सबसे पहली मिसाल क्या है? आ बैल मुझे मार, यानी मतलब क्या है इसका? किसी मुसीबत को खुद दावत देना, यानी खुद ब खुद उस मुसीबत में, मुश्किल में फंस जाना। आप काज माह काज, यानी काम वही बेहतर होता है जो खुद किया जाता है। दूसरे से अगर काम करवाएं, एक तो अव्वल तो हमें उसे पसंद नहीं आ रहा होता, दूसरा वो उतने अच्छे तरीके से नहीं करता क्योंकि उसको उस काम के बारे में सही तरीके से मालूम नहीं होता है जितना आपको खुद को मालूम होगा। आसमान से गिरा खजूर में अटका, यानी एक मुसीबत से निकला और दूसरी मुसीबत में फंस गया। आसमान का थूका मुंह पर, यानी जो बड़ों की इज्जत नहीं करता वो खुद बेइज्जत होता है। आम के आम गुठलियों के दाम, आम के आम गुठलियों के दाम, बहुत ज्यादा मुनाफा होना, यानी दोहरा मुनाफा होना, बहुत ज्यादा मुनाफा होना, दोहरा मुनाफा होना। आंख हो जल पहाड़ हो जल, ओझल यानी जो आंख के सामने नहीं है इसके बारे में क्या कहा जा सकता है। आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, यानी सभी के सब बिगड़े हुए हैं, खानदान के सभी अफराद जो हैं वो बिगड़े हुए हैं, यानी किसी काम के नहीं हैं। एक पंथ दो काज, यानी एक काम के लिए कोशिश की जाए तो दो काम हो जाते हैं। आगे हम पढ़ेंगे एक अनार सो बीमार, यानी चीज कम होना और जरूरतमंद ज्यादा होना, यानी लेने वाले ज्यादा है जरूरतमंदों के मुकाबले में चीज का कम होना। एक करेला दूसरे नीम चढ़ा, यानी एक शख्स की अगर खराब सोहबत में रहकर बाकी लोग भी खराब हो जाते हैं, एक अगर बुरा है तो बाकी सब भी बुरे हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, यानी बुरे आदमी को एक दफा सजा मिलकर ही रहती है, कब तक वो अपने आप को छुपा कर रखेगा या अपना जो है वो अपने आप को कहीं, उसको कभी सजा नहीं मिलेगी, ऐसा कभी नहीं होता। पढ़े ना लिखे ना मोहम्मद फाजिल, यानी किसी चीज के बारे में जानते तो नहीं है लेकिन फिर भी खुद को एक आलिम समझते हैं, जैसे उन्हें सब चीज के बारे में मालूम है, कुछ ना जानने के बावजूद खुद को आलिम समझना। आगे हम पढ़ेंगे जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी ताकतवर अपनी बात मनवा कर रहता है। ताकतवर अपनी बात किस तरह मनवा कर रहता है? पैसों के जोर पर, या वो अमीर होता है इसलिए। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, यानी बड़े बड़े दावे करने वाले कुछ भी नहीं कर सकते। जैसा देश वैसा भेस, भेस यानी जहां रहो वहीं के रस्म और रिवाज के मुताबिक जिंदगी गुजारो। चराग तले अंधेरा,
गैर फायदा उठाएं मगर अपने महरूम रहें। जैसे एक शख्स है, या आप समझ ले आपके घर में एक बहन है और बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी हुई है, लेकिन अपने घर के बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, बाकी लोग सारे उनसे आकर पढ़ते हैं और उनसे सबक के बारे में पूछते हैं। दाम बनाए काम, पास पैसा हो तो काम भी होता है। दूध का दूध, पानी का पानी, पूरा इंसाफ करना। डूबते को तिनके का सहारा, मुसीबत में थोड़ा सा सहारा भी बहुत होता है। यानी अगर आप मुसीबत में, किसी मुश्किल वक्त में आप किसी उसकी मदद कर दें तो थोड़ी सी, तो भी वो उसके लिए बहुत ज्यादा होती है। रस्सी जल गई मगर बल ना गया, यानी उसके जो है वो बुरे हालात हो गए हैं बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी उसकी अकड़ नहीं गई कि मेरे पास तो पहले भी इतना कुछ था तो अब अगर नहीं है तो फिर क्या हुआ। ये थे स्टूडेंट आज के हमारे अल्फाज ज़र्बुल अम्साल। आपने इसको अच्छे से रिवाइज करना है और इसको, उम्मीद है कि आपको इसको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आपने इसका क्विज सॉल्व करना है और आपने इसका कोई जरूर सॉल्व करना है। अगर आपको हमारे इस लेक्चर में से कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप उसके बारे में सवाल कर सकते हैं, आपको सवाल का जवाब फौरी दिया जाएगा। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कहानी इत्तफाक की बरकत और अल्फाज मुतजाद, आपने उनकी रीडिंग करनी है ताकि हम उसके बारे में डिस्कस